वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बारे में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीसीज लॉस इन अ जियोग्राफिकल रीजन। मेन कॉज क्या है जिसकी वजह से जियोग्राफिकल रीजन में स्पीसीज पूरी तरीके से खत्म होती जा रही। सबसे पहला कॉज है हैबिटेट लॉस। स्पीसीज की हैबिटेट को क्या कर दिया जा रहा है, लॉस कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ज़्यादा ही यूज़ करना। वुमेन बींग सब कुछ प्लांट से ही ऑप्टेंट करते हैं, बट प्लांट को उसकी जगह पर कुछ देते नहीं हैं, तो क्या करें, पूरी चीज़ स्पीसीज ऑप्टेंट कर रहे हैं प्लांट से, सब कुछ जितने भी प्रोडक्ट उनके लिए यूजफुल है सब कुछ ऑप्टेंट कर रहे हैं, बट उसकी जगह प्लांट को कोई भी चीज़ दिया नहीं जाता है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उसके बाद है एलियन स्पीसीज इन्वेशन, मीन्स जहाँ पे कोई स्पीसीज पहले से सर्वाइव कर रही है, अगर हम बाहर से कोई स्पीसीज वहाँ पर ला के उसको भी कह दें कि तुम्हें भी यहीं पर सर्वाइव करना है, तो स्पीसीज जो पहले से वहाँ पर रह रही उसकी हैबिटेट में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन होगा, जिसकी वजह से वो भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। जो पहले से बाहर से हमने कोई स्पीसीज ला के डाली है वो भी स्पीसीज वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो तीन रीज़न है जिसकी वजह से पूरी तरीके से बायोडाइवर्सिटी क्या है वो लॉस होती जा रही है। नेक्स्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इच। कुछ टर्म्स हैं उनको डिफाइन करना है, साथ साथ में उसका एक एक एग्जाम्पल लिखना है। सबसे पहला है कमर्सलिज्म। इन दिस इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिट। कमर्सलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है दूसरे स्पीसीज को, ना तो उससे हार्म होता है ना तो उससे उसको कोई बेनिफिट होता है। ऐसे एग्जाम्पल में सी एनिमल्स के पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, स्टिंग टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, मीन्स पॉइजनस टेंटिकल प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर क्लोन फिश सर्वाइव करती है। उसके ऊपर कौन सर्वाइव करा, क्लोन फिश। क्लोन फिश को तो बेनिफिट ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्लोन फिश के ऊपर अगर कोई प्रीडेटर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो जो सी एनिमल्स के पास टेंटिकल्स प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उससे उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। तो क्लोन फिश को बेनिफिट तो मिल रहा है, बट सी एनिमल को ना तो उस क्लोन फिश से कोई बेनिफिट मिलेगा ना तो उस क्लोन फिश उसको कोई हार्म पहुंचाएगी। इसमें क्या हो रहा है, एक स्पीसीज को बेनिफिटेड हो रहा है दूसरे स्पीसीज को, ना तो उस स्पीसीज कोई बेनिफिट होगा ना तो उस स्पीसीज से उसको कोई हार्म होगा। नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। इस इंट्रैक्शन में क्या होता है, एक स्पीसीज बेनिफिट होगा दूसरा स्पीसीज हार्म्ड होगा। एग्जाम्पल में जैसे लाइस ऑन द ह्यूमन बीइंग, जैसे बालों में जो जू पड़ जाते हैं उसमें ये जो लाइस बालों में हो जाते हैं ईयर्स में, उसको क्या होगा, उसको तो बेनिफिट मिलेगा ह्यूमन बीइंग से, उसको सब कुछ प्रोवाइड मिलेगा, सारे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, रहने की जगह भी मिलेगी, बट ह्यूमन बीइंग क्या हो रहा, उससे उसको बहुत ज़्यादा हार्म्ड होगा। इसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है दूसरे स्पीसीज को क्या होगा, हार्म होगा। नेक्स्ट इज कैमोफ्लेज। सम स्पीसीज कैन चेंज देयर बॉडी कलर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी प्रीडेटर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो क्या करते, अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते, जिससे वो उस प्रीडेटर से क्या करते, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, और फ्रॉग के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे वो फ्रॉग अगर ग्रास में है तो वो क्या कर लेता, अपनी बॉडी को ग्रीन कलर का कर लेता है। अगर कोई भी इंसेक्ट है वो जहाँ पर है, मीन्स जिस इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट का जो कलर है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी का कलर भी चेंज कर लेता है, जिससे वो प्रीडेटर से प्रोटेक्ट रहता है, इसे कहते हैं कैमोफ्लेक्स। द नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंट्रैक्शन होता है जिसमें दोनों स्पीसीज को पूरी तरीके से बेनिफिट होता है। जैसे प्लांट और एनिमल का रिलेशनशिप हो गया, प्लांट एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि एनिमल क्या करता है, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है, तो उसके ऊपर टोटली प्लांट डिपेंडेंट है। और एनिमल प्लांट के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ देयर फूड, फूड के पर्पस के लिए वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज जीन थेरेपी। इलस्ट्रेट यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ एडनोसिन डीएमआरएनए डिफिशियंसी। जीन थेरेपी क्या होता है, पहले तो पार्ट में ये पूछा गया कि क्या होता है उसे बताना, उसके बाद ये जो एडनोसिन डीएमआरएनएज की डिफिशियंसी दी गई है बुक में ये क्या है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी का मतलब होता है जब बॉडी में कोई भी जीन जो है डिफेक्टिव हो गई, तो बाहर से
कोई भी जीन को कलेक्ट करना और उसको बाहर से बॉडी के अंदर उस जीन को इंजेक्ट कराना, इंट्रोड्यूस कराना, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। जब कोई भी जीन डिफेक्टिव हो गई है तो उसकी जगह पे उसी के जीन को, मीन्स उस तरीके के जीन को बॉडी के अंदर इंसर्ट कराना, इंट्रोड्यूस कराना, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। अब ये ADA एंजाइम क्या है, ये ADA डिफिशेंसी क्या है, ADA डिफिशेंसी एक 4 साल की बच्ची थी, 1990 में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, देखा गया था उस बच्ची के अंदर ADA एंजाइम की डिफिशेंसी थी। ये एंजाइम किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल होता है। जब उस बच्ची के अंदर ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट है तो वो बच्ची जो थी उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक था। अगर उसको किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में ला दे तो उस बच्चे की डेथ भी हो सकती, इतना ज़्यादा उसका इम्यून सिस्टम वीक था। तो इस मतलब ये जो एंजाइम है ADA एंजाइम, इस एंजाइम को पहले तो इंट्रोड्यूस कराया गया था लिम्फोसाइट के अंदर, किसके अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर, बट लिम्फोसाइट के अंदर वो परमानेंट क्यूरेबल नहीं होता है। तो उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था पहले तो लिम्फोसाइट, अब परमानेंट क्यूरेबल लिम्फोसाइट के अंदर क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन होता है जिसके वजह से वो परमानेंट क्यूरेबल नहीं होता है। फिर क्या किया गया, उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उस एंजाइम को इंट्रोड्यूस करा दिया गया बेबी के अंदर, जिसके लिए वो क्या है, परमानेंट क्यूरेबल है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ADA एंजाइम की डिफिशेंसी है किसी भी बेबी के अंदर, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर इस एंजाइम को इंट्रोड्यूस कराते हैं तब वो क्या होगा, उसके लिए परमानेंट क्योरेबल होगा, मीन्स परमानेंट के लिए पूरी तरीके से क्योर होगा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बट अगर उसको लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो परमानेंट क्योरेबल नहीं होता। ये था ADA एंजाइम। ADA एंजाइम क्या होता है, ADA डिफिशेंसी क्या है, ADA एंजाइम जो है एक प्रकार की एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम के। अगर इस एंजाइम की डिफिशेंसी है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर, तब क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होगा। तो इस एंजाइम को इंट्रोड्यूस कराया गया था उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो कि क्या होता है, परमानेंट के लिए क्यूरेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग, कुछ पॉइंट्स दिए गए इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करना। सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे ये DNA है, DNA की कहीं से भी रिप्लिकेशन नहीं होता, मीन्स DNA कहीं से भी रिप्लिकेट नहीं करने लगता है। उसका एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, उसका एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहां से DNA का क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा। ये नहीं जैसे ये DNA है तो ये नहीं जब मन किया यहां से रिप्लिकेट करने लगेगा, जब मन किया यहां से, जब मन किया यहां से, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका एक क्या होगा, एक एग्जैक्ट लोकेशन होगी जहाँ से DNA क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा। तो जहाँ से DNA का रिप्लिकेशन हो रहा है, जहाँ से DNA रिप्लिकेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर, दो बायोरिएक्टर के नाम बुक में दिए। बायोरिएक्टर का यूज़ क्यों किया था, बायोरिएक्टर के अंदर pH कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होता है, बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। सब्सटेंस की मिक्सिंग के लिए, मीन्स सब्सटेंस को मिक्स कराने के लिए बायोरिएक्टर का यूज़ किया जाता है। मीन्स जब मेडिकल साइंस में किसी भी चीज़ की सिंथेसिस की जाती, कोई भी चीज़ बनाया जाता है, तो अगर किसी सब्सटेंस को, बहुत सारे सब्सटेंस को मिक्स करना हुआ तो बायोरिएक्टर का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का मतलब होता है सेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन, दो चीज़ इसमें आता है। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी मेडिसिन या कोई भी ड्रग आने से पहले उसको, उसका क्या किया जाता है, प्रॉपरली उसकी स्टडी की जाती है, प्रॉपरली देखा जाता है कि वो प्रॉपर सब्सटेंस के अंदर कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, उसको सेपरेट किया जाता है और फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। मीन सब्सटेंस को फिल्टर करने के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अगर कोई चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है उसको क्या किया, अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है, सेपरेशन का यूज़ किया जाता है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में दो आते हैं, एक आता है सेपरेशन और एक क्या आता है, फिल्ट्रेशन। हमने इस पूरे लेक्चर में स्टडी किया जितने भी प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके बारे में। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।